हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज बनाते हैं रोटी से एकदम बहुत ही टेस्टी सी सब्जी। इसको आप ताज़ी रोटी से या फिर बची हुई रोटी से भी बना सकते हैं। बहुत ही आसान है बनाने में और ये आपको बहुत पसंद आएगी। आप एकदम इसी तरीके से एक बार ज़रूर से बना के ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक उबला हुआ आलू लिया है जिसको कि कद्दूकस कर लिया है, और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ले लिया है पनीर, 1/4 कप के करीब है ये, और एक छोटे साइज़ का प्याज लिया है जिसको कि बहुत ही बारीक मैंने इसको चॉप कर लिया है। थोड़ा सा डाल दिया है हरा धनिया, और एक हरी मिर्च डाल दी है बारीक कट करके, और अब यहाँ पे काली मिर्च पाउडर 1/4 चम्मच से, और ये भुना हुआ जीरा पाउडर 1 छोटी चम्मच से डाल दिया है। साथ ही इसमें डाल देंगे नमक टेस्ट के हिसाब से, और ज़रा सा यहाँ पे हल्दी पाउडर भी डाल दिया है। अब सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिला लेना है। तो अब यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। तो अभी इसको हम रख देते हैं साइड में और बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास हैं 4 रोटियाँ, ये सुबह की रोटी है, आप इसको ताज़ी रोटी से भी बना सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है, रोटियों को तोड़ के छोटा छोटा टुकड़ा कर लेना है। तो इस तरीके से हम रोटियों को तोड़ लेते हैं। और अब मैंने यहाँ पे एक मिक्सी का जार में डाल दिया है थोड़ा सा अदरक लहसुन और हरी मिर्च, और साथ ही डाल देंगे रोटी जो हमने तोड़ के रखी थी, और मिक्सी के जार में डाल के हमने इसका एक पाउडर बना के तैयार कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको पीस लिया है, पानी नहीं डालना है, बिना पानी के ही हमने इसको पीस के तैयार कर लेना है। तो अब इसको एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे सारी रोटियों को। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको निकाल लिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं 2 से 3 चम्मच बेसन के। आप इसको बिना बेसन के भी चाहे तो बना सकते हैं, या फिर यहाँ पे चावल का आटा थोड़ा सा डाल सकते हैं, लेकिन बेसन डालेंगे तो ये ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे अब मैंने 1/2 चम्मच से अजवाइन डाल दिया है, और अब इसमें हम डाल देते हैं नमक टेस्ट के हिसाब से, थोड़ा सा डाल देंगे हल्दी पाउडर, और यहाँ पे जीरा पाउडर 1/2 चम्मच डाला है, और 1/2 ही चम्मच डाल दूँगी मैं इसमें धनिया पाउडर, और ज़रा सा यहाँ पे मैंने लाल मिर्च डाल दी है, और 1/2 चम्मच से डाल दिया है गरम मसाला पाउडर, और साथ ही डाल देते हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और ये मैंने यहाँ पे 2 छोटी चम्मच से डाल दिया है इसमें देसी घी। चाहे तो यहाँ पे तेल भी डाल सकते हैं, रिफाइंड ऑयल डाल सकते हैं, घी डालेंगे तो ज़्यादा टेस्टी बनेगा। वैसे आपको जो पसंद हो आप वो डाल सकते हैं। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसको हमने गूंथ लेना है। अभी इसको हम थोड़ा सा गीला ही रखेंगे, बस इसको पानी में हमने मिला लेना है, बहुत ज़्यादा भी कुछ नहीं करना है। तो ये देखिए अभी ये थोड़ा सा गीला है, 10-15 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, और उसके बाद हम इसको तैयार करेंगे। तो यहाँ पे 10-15 मिनट हो गए थे इसको रखे हुए, देखिए रोटी ने पानी को काफ़ी सोख लिया है, और ये एकदम सख्त हो गया है, टाइट हो गया है। अब इसको हमने थोड़ा सा मसल के तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से मसल लिया था, तो हाथ को अच्छे से साफ़ कर लिया, थोड़ा सा तेल लगा लिया, और थोड़ा सा डो ले लिया इस तरीके से, और जो हमने आलू और पनीर की स्टफिंग तैयार की थी उसको बीच में इस तरीके से रख देंगे, और इसको अच्छे से कवर कर देंगे। तो इस तरीके से चाहे तो आप अंडे की शेप में इसको बना सकते हैं या गोल बना सकते हैं, तो जैसे भी आपको पसंद हो वैसे आप बना सकते हैं। तो मैं एकदम बिल्कुल अंडे जैसा इसको बना रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे ये बनके रेडी हो गया है। तो अभी इसको साइड में रखते हैं, और यहाँ एक कढ़ाई में डाल दिया है 2 से 3 चम्मच तेल, साथ ही डाल दी 3-4 सूखी लाल मिर्च। अब इसमें डाल देंगे हम तेज पत्ता, और साथ ही डाल देंगे थोड़ा सा पंचफोड़न या फिर जीरा मेथी, जो भी आपके पास हो वो डाल सकते हैं। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा भूनने के बाद मैंने 2 प्याज लिए हैं, एकदम बारीक चॉप कर लिया है, और अच्छे से प्याज को हमने भून लेना है। तो जब तक हमारा प्याज भून रहा है, यहाँ एक कटोरी में मैंने ले लिया है 1/4 छोटी चम्मच से काली मिर्च का पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच लिया है जीरा पाउडर, और 1 चम्मच ही डाल दिया है धनिया पाउडर, और ये मैंने लिया है 1 से 1.5 चम्मच के करीब
अचार वाला मसाला, जो आम वाला अचार होता है या फिर मिर्ची वाला अचार, कोई भी अचार हो, उसका सिर्फ मसाला लेना है, अचार नहीं लेना है। और थोड़ा सा उसमें पानी डाल दिया, पानी डाल के इसका एक पेस्ट बना के इसको हम रख देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल दिया है, अच्छे से इसको मिला देंगे और इसको हम अभी रख देंगे, मसालों को अच्छे से फूल जाने देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ये रेडी हो गया है, इसको हम रख देते हैं और हम प्याज चेक कर लेते हैं अपना। और यहाँ पे देखिए हमारा प्याज भी बढ़िया से भुन गया है, एकदम ये ब्राउन हो गया है। तो अब इसमें हम डाल देते हैं टमाटर का पेस्ट। तो मैंने यहाँ पे दो टमाटर लिए हैं और इसी में मैंने अदरक और लहसुन को भी पीस लिया था। तो यहाँ पे ये डाल दिया, अच्छे से इसको मिला देंगे और थोड़ी देर इसको भून लेंगे इसी तरीके से चलाते हुए। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने इसको भून लिया है। अब जो हमने मसालों का पेस्ट बनाया था वो यहाँ पे डाल दिया, अच्छे से इसको भी मिला लेंगे और मिलाने के बाद मसालों को हमने भून लेना है। तो यहाँ अच्छे से ये मिक्स हो गया है। तो अब थोड़ा सा यहाँ पर एक कप के करीब हम पानी इसमें डाल देंगे। और पानी डालने के बाद मैंने यहाँ पे इस तरीके से जाली वाला प्लेट रख के इसके ऊपर से जो हमने रोटी के अंडे बना के रखे हुए थे वो डाल दिए थे और इसको 15 मिनट के लिए पका लिया है। तो पहले मेरा जो वीडियो है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, इसीलिए मैं आगे से दिखा रही हूँ। तो इसको हमने पका लिया है 15 मिनट के लिए और प्लेट में थोड़ा सा तेल भी लगा लेना है ताकि ये चिपके नहीं। तो यहाँ पे ये पक चुका है, इसको निकाल देंगे और अब हम इसका मसाला भी चेक कर लेते हैं। नीचे में हमारा मसाला भी भुन रहा है। तो ये देखिए मसाला भी हमारा अच्छे से भुन रहा है, नीचे में बिल्कुल भी जला नहीं है। और इसको एक बार अच्छे से हमने फिर से मिला लेना है और थोड़ी देर में इसको और भून लूँगी, थोड़ा सा इसको और भुनना पड़ेगा। तो ढक के इसको 2-3 मिनट के लिए फिर से हम भून लेते हैं। और इधर मैंने दूसरी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल दिया है, तेल को गर्म कर लेंगे। और जो हमने अंडे बना के रखे हुए हैं रोटी के, उसको हमने इसमें फ्राई कर लेने हैं। आप वैसे चाहे तो बिना फ्राई करके भी इसको डायरेक्ट ग्रेवी में डाल सकते हैं या फिर इस तरीके से फ्राई करके भी आप डाल सकते हैं। तो इनको हम फटाफट से इसमें इस तरीके से फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये अच्छे से फ्राई हो गया है, इसको हम निकाल लेते हैं, इसी तरीके से बाकी भी कर लेंगे। और इधर हमारी ग्रेवी भी देखिए बहुत ही अच्छे से भुन गई है, अच्छे से ये तेल छोड़ रही है और बढ़िया सी खुशबू भी आने लगी है मसालों की। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ इसमें एक आलू डाला है, आलू डालना ऑप्शनल है। यहाँ पर मैंने एक आलू डाला है क्योंकि मेरी बेटी के लिए मुझे आलू डालना था, इसलिए मैंने इसमें डाल दिया है। आप आलू डाल सकते हैं, बिना आलू के भी इसे बना सकते हैं। आलू डालने के बाद बस 5 मिनट के लिए इसको भून लेना है मसाले के साथ आलू को। और अब इसमें हम डाल देंगे 2-3 कप के करीब पानी डाल देंगे और अच्छे से इसको मिला लेंगे। और अब यहाँ पे मैंने एक छोटी चम्मच से इसमें गरम मसाला डाल दिया है और साथ ही मैं इसमें डाल देती हूँ एक चम्मच से कसूरी मेथी, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, आप इसे ज़रूर से डालिएगा। और अच्छे से इसको मिला लेंगे और मिलाने के बाद हम ग्रेवी को कम से कम 10 मिनट के लिए मीडियम आंच पे ढक के इस तरीके से पका लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं और ये अच्छे से पक चुकी है, ग्रेवी हमारी बढ़िया से पक गई है। तो अब जो हमने आलू वाले अंडे बना के रखे हुए हैं उसको हम इसमें डाल देंगे। और बस इसको डालने के बाद सिर्फ 5 मिनट के लिए हमने बस इसमें एक उबाला आने देना है और उसके बाद हम गैस का फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। इसको डालने के बाद बहुत ज़्यादा देर तक हमने इसको नहीं पकाना है, नहीं तो ये इसी में गल जाएगा। तो यहाँ पे इसमें एक उबाल आ गया है तो मैं अब गैस का फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है और ये हमारी रोटी की बहुत ही टेस्टी सी सब्जी बनके यहाँ पे तैयार हो गई है। आप इसे चाहे तो गर्मा गर्म रोटी, पराठे या फिर चावल के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत टेस्टी बनी है, एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ के साथ रेसिपी को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।